नमस्कार मॉर्निंग बुलेटिन अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान मद दोकानी को आईआईसी को अनुकंपा मद विरोधी लोकों नारे एफआईआर देबा पई आईआईसी अनुरोध करछंती मद दोकानी को एने एक वीडियो मध्य वायरल होईछि मद दोकान को विरोध करथबा लोकों नारे थाना रे अभियोग करबा पई दोकान मालिक अनुरोध करछंती संबलपुर हीराकुद एगार नंबर वार्ड झांकर पड़ारे मद दोकान खोलिबाकु विरोध करी थाना रे अभियोग करबा सह जिलापाल एसपी आरडीसी और डीआईजी को द्वारस्थ होइछंती एने हीराकुद वरिष्ठ नागरिक माने दीर्घ 70 दिन हेबो धारणा रे बसछंती इस समय रे हीराकुद आईआईसी चितरंजन नायक मद दोकान मालिक सह कथा होइतिबा समय रे एक वीडियो सामना को आछि हीराकुद थाना अधिकारी मद दोकानी मालिकों को फोन करी तांको नारे थाना रे एफआईआर देबा को कहिछंती संपर्कित अधिक सूचना देवे संबलपुर प्रतिनिधि मलय भई आम सहित जोड़ी होती मलय तेज जानवाक चाहिए ये कि आईआईसी अनुकंपा मद दोकानी को जो मद को विरोध कर गणधारणा दि जाऊँगी आईआईसी जो मैंने मद को विरोध करुंता अनुकंपा मुताबक कहते एफआईआर देवाई मद विरोधी जो मैं करपडेट कौन आसु वीडियो वायरल हो निश्चित पक्ष स्वप्ना देखो गोटे पटे जिते बेले हीराकुद रे जो स्थानीय नागरिक मैंने एगार नंबर वार्ड लोक चाहूना जे ये अंचल में मद दोकान खोलू कहीं जिते बेले ये जिते बेले संबलपुर सहर हीराकुद सहर को प्रवेश करते हैं तो ये हूँ मुख्य रास्ता से अंचल में आईटीआई कॉलेज अच्छी विभिन्न शिक्षानुषान अच्छी विभिन्न घर मध्य रही तो से ही अंचल में कौटिना कौटी हीराकुद बासी झांकरपड़ावासी मना करते अंचल में बा मद दोकान न खोल जाए कि पूर्व जिते बेले ठिका होता गत किस पूर्व ये ठिका समय जड़े जड़े दोकानी दोकान मालिक ठिका पाई आ झांकरपड़ा एगार नंबर वार्ड अंचल दोकान खोलने निष्पत्ति जहाँ कि दीर्घ पाखापाखि 15-17 दिन हम झांकरपड़ावासी एगार नंबर वार्डवासी वर्तमान समय प्रथम थाना अभियोग करते परवर्त समय संबलपुर जिलापाल आरडीसी डीआईजी द्वारस्थ एवं कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी द्वारस्थ होते जहाँ कि वरिष्ठ नागरिक अंचल 17 दिन हम धारणा देखते कितु एवं जो भिडियो सामना को आसी जे आईएससी निजे कहते कि जो दुकान मालिक दुकान खोलिबा कथा तांको अनुरोध करछि आपण देखंतु जो वीडियो माध्यम रे जहाँ ऑडियो मध्य पर स्पष्ट जना पड़छि आईएससी तांको सीधा सलो कहते आपण मध्य आसंतु थाना रे अभियोग करंतु आपण काहेकि पछकुचा दोछंति तांको बारंबार आईएससी मध्य कौटिना कौटी कहते आपण आसंतु सीधा सलो तांको नारे मध्य गोटे एफआईआर करंतु से मध्य एक केस रे फसिबे तो निश्चित पक्ष देखिबा आईएससी काहेकि मद दुकान मालिकों को एते अनुकंपा दोछंति तांको सहित तांकर कौन संपर्क थाय पर जेतेबेले मद को विरोध कराइछि कौटिना कौटी जो माने मद विरोधी अछंति प्रश्न उठुछि जेतेबेले मद को विरोध करा जाउछि मद विरोधी आंदोलन करा जाउछि एवं वरिष्ठ नागरिक माने मध्य 17 दिन धरी आंदोलन मध्य करिछंती तबे आईआईसी को ए ऑडियो वीडियो मध्य वायरल होइछि तबे प्रशासन पक्षरु किछि कार्यनुष्ठान निया जाइछि कि वीडियो वायरल परे देखु जेहेतु कि दीर्घ 17 दिन हलाने ये आंदोलन चली अंपटे वीडियो मध्य जहाँ भाइराल होगा लगी तो बहुत कौटिना कौटि ये घटना उपर एसपी को बहुत नजर नथिबो कहीं जिते बेले बारंबार ये कथा सामना को मद को विरोध करछंती आ सही अंचल आईएससी कहते जे तुम्हें दुकान मालिक कहते तुम्हें भी आस दुकान जो मैंने विरोध करते नारे एफआईआर दियो ये तो वर्तमान समय आईएससी पारिवा पणिया आईएससी और दुकान मालिक सहित कौन संपर्क थी ये ऑडियो रु पूरा पूरी स्पष्ट जना पड़ी कितना अन्य कथ रहा जिते बेले ये ऑडियो वर्तमान समय जो भाइराल होती एसपी को पाखक ये ऑडियो गला ना ना कहीं जिते बेले एसपी जदि एसपी पाखक ये ऑडियो जा तो से कौन कार्यस्थान ने कहीं जिते बेले लोक जो अंचल वरिष्ठ लोक जो पाखापाखी अंचलवासी मद दुकान को विरोध करते तो से ही अंचल कहीं आईएससी एत प्रोत्साहन दौरान जो दुकानी को कहीं अनुरोध करते आप देखते भिडियो जो जहाँ ऑडियो शुभा जाए बारंबार आईएससी कहते आपण आसतु नाँ एफआईआर दिंतु ये किभली आईएससी मंत्य ए आईएससी कहीं जो दुकानी को अनुकंपा देते ये तो बर्तमान समय बड़ प्रश्न उठी अन्य कथा है एसपी ये भिडियो जिते बेले पाई सारे पाखे जो पहुंची तो ये या एसपी कौन आक्शन देवे ये तो बर्तमान समय देखा रहा स्वप्ना निश्चित भाव मैं आपड़ी सूचना देते मद दोकानी को आईआईसी अनुकंपा जो मद को विरोध कर मद विरोधी आंदोलन कर आईआईसी अनुरोध करो मैंने मद को विरोध करते एफआईआर करने तेज ये वीडियो निश्चित प्रशासन पाखे पहुंचला से कौन कार्यानुषान नौ आईआईसी देखा बाकी रहा धन्यवाद मैं आपण समस्त अपडेट
आजिठ छदिनिया ओडिशा गस्तरे आछंती केन्द्र आदिवासी कल्याण विभाग राष्ट्रमंत्री विशेश्वर टुडू केन्द्र मंत्रिमंडल स्थान पाइबा परे विशेश्वर प्रथम ओडिशा गस्तरे आसुथबा जणापडिछि। असुस्थता कारण से पूर्वरु आसी पारि नथिबा बेले आज ओडिशा गस्तरे आछंती भुवनेश्वर बिजु पटनायक आंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचिबा परे प्रथमे से लिंगराज को दर्शन करिवे परे पुरी जाय श्रीजी को दर्शन करबा सहित शंकराचार्य को भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। सेपरि आज राज्य बीजेपी कार्यालय रे तांकु संबर्धना दिया जिबाकु थिबा बेले आसंता काली से मयूरभंज संसदीय क्षेत्र रो विभिन्न सरकारी कार्यक्रम रे जोग देबे बोली जणा पडिछि। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र आम सहित फोन इन रे जोडी होइछंती। प्रदीप्त जानिबाकु चाहिबा छ दिनिया ओडिशा गस्तरे केन्द्र आदिवासी कल्याण विभाग राष्ट्रमंत्री विशेश्वर टुडू आसुछंती। तबे जदि कहिबा केन्द्र मंत्रिमंडल दायित्व नेबा परे एहा तांको प्रथम ओडिशा गस्त तबे तांकर स्वागत संबर्धना पई कोन सब व्यवस्था करा जाइछि कोन सब कार्यक्रम रहिछि अधिक अपडेट कोन आसुछि प्रदीप्त। जलशक्ति एवं आदिवासी व्यापार विभाग राष्ट्रमंत्री विशेश्वर टुडू आसिया मंत्री भाव से दायित्व पाई केन्द्र मोदी कैबिनेट रे मोदी कैबिनेट रिशफल पर दायित्व मिली से प्रथम थर पर दायित्व नापर ओडिशा गस्तर आसवर आम देखी केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव কিন্তু সেই সময় বিশেষ প্রভুঙ্কর অসুস্থতা কারণ সে আসিপারে এবং যে কার্যক্রম রয়েছে জল আশীর্বাদ যাত্রা বিজেপির সেই কার্যক্রম আধারে সে আসুচার ওড়িশা কু এবং আজ মধ্যাহ্ন 12:30 মিনিটে সে ভুবনেশ্বর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আসিকি পৌঁছবে এবং সেখানে তাঁকু যা স্বাগত সম্বর্ধনা কথা আপনার কুলে বিজেপি পক্ষর ব্যাপক ব্যবস্থা করা যাই সেখানে তাঁকু ভব্য স্বাগত করা যাব এবং তাঁকু সেটি সম্বর্ধনা করা যাব এবং সেখান সে সিধা সড়ক পাখাপাখি 12:40 মিনিটে যাই কি পৌঁছবে মহাপ্রভু লিঙ্গরাজ মন্দিরে এবং শ্রী মহাপ্রভুঙ্ দর্শন সারি সে আশীর্বাদ নেওয়া পরে সিধা সড়ক বাহারি যাবে পুরী অভিমুখে এবং পিপিলি এবং সাক্ষী গোপাল দেই সে পুরী যাবে বলে যা কার্যক্রম রয়েছে এবং তেমন রাস্তায় সে যে যে স্থান যাবে প্রত্যেক স্থানের তাকে সে স্থানীয় বিজেপি কর্মী এবং সাধারণ লোকঙ্ক পক্ষর মধ্যে তাকে স্বাগত সম্বর্ধনার কার্যক্রম রয়েছে এবং পুরী যাওয়া পরে সে সেটি পৌঁছি জগন্নাথ কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়া পরে জগন্নাথঙ্কর মহাপ্রভু জগন্নাথঙ্কর দর্শন করিবে এবং মহাপ্রভুঙ্ক আশীর্বাদ নেবা পরে সেটি বি তাকে পুরী রে মধ্যে বিজেপি পক্ষর স্বাগত করা যাব। তারপরে সে শঙ্করাচার্যঙ্কর মধ্যে দর্শন করিবার কার্যক্রম রয়েছে শঙ্করাচার্যঙ্ক দর্শন করিবার সহিত সে কিছু সময় তাকে আলোচনা করিবে এবং পরবর্তী সময়ে সে পুনি পুরীরু ভুবনেশ্বর ফেরি আসিবে এবং ভুবনেশ্বর ফেরিবা পরে সন্ধ্যা 6:35 মিনিটে তাঁকর যা কার্যক্রম রয়েছে সন্ধ্যা 6:35 মিনিটে সে যে বিজেপির রাজ্য কার্যালয় রয়েছে ভুবনেশ্বর থেকে সেখানে সে কিছু তাঁকর বৈঠক রয়েছে বা কিছু সাংবাদিক সম্মিলনী হয়েপরে বর্তমান সুদ্ধা তো সেমি কোণ সঠিক সূচনা আসি না। পরবর্তী সময় সে রাতে পাখাপাখি 8:00 ভুবনেশ্বর যে দূরদর্শন কেন্দ্র রয়েছে সেঠাকে তাঁকর গস্ত কার্যক্রম রয়েছে এবং এই মোটামুটি যদি আজর কার্যক্রম কু দেখিবা আমি তা পরবর্তী সময়ে সে সিধাসলখ গস্ত করিবে ময়ূরভঞ্জ জেলা কু অর্থাৎ 7 তারিখ দিন সে কটক যাজপুর ভদ্রক বালেশ্বর এমতি বিভিন্ন জেলা দেই সেখানে বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ দেই সে সিধাসলখ ময়ূরভঞ্জ জেলা কু গস্ত করিবে। ময়ূরভঞ্জ জেলার কিছু প্রকল্পর মধ্যে তাঁকর উদ্ঘাটন কার্যক্রম রয়েছে সেটি কিছু যে দলীয় রালি মধ্যে রয়েছে দলীয় কার্যক্রম রয়েছে সেগুলিকরে যোগ দেবে এবং বিভিন্ন রয়েছে ময়ূরভঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে বিভিন্ন নির্বাচন বিধানসভা ক্ষেত্র রয়েছে লোকসভা বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে সেগুলিকরে সেগুলিকু সে গস্ত করিবে এবং যে উদ্দেশ্য রয়েছে এই গস্তর জল আশীর্বাদ যাত্রা লোক আশীর্বাদ নেবে এবং নিশ্চিত ভাবে প্রদীপ্ত আপনার যেভাবে সূচনা দেউথলে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেশ্বর টুডু আসবে এবং কেন্দ্র সরকার যে যোজনা রয়েছে তাহা সাধারণ লোকঙ্ক পাখ কিভাবে যাব তাহা হি উদ্যম রহব এই ছদিনিয়া ওড়িশা গস্তরে যে আসছেন বিশেশ্বর টুডু তাঁকু ভব্য স্বাগত মধ্যে করা যাব কাহিকিনা কেন্দ্র আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ মন্ত্রী ভাবে
स्थान पाइबा परे एहा तांकर प्रथम ओडिसा गस्त रहिछि। धन्यवाद प्रदीप्त आपणक समस्त अपडेट पई। केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिवलय लघुचापर रूप नेब। एहा प्रभाव में दुई दिन धरी राज्य में वर्षा हेबानी आंचलिक पानीपा केन्द्र पक्ष आकलन कराई। दुई दिन धरी राज्य में विस्तृत अंचल में वर्षा लग रहा बेले आज 6 जिले में प्रबल वर्षार परिमाण अधिक रिलागुड़िक कोरापुट गजपति कलाहांडी कंधमाल पुरी समस्त जिला को पानीपाग विभाग पक्ष येलो वार्निंग जारी करा। सेपरि आसंता काली मध्य नुआपड़ा बलांगीर खोर्धा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज नवरंगपुर इत्यादि जिले में वर्षा होने सूचना रही। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी और टीकाकरण कार्यक्रम हिताधिकारी आज दिन 11 वीसी माध्यम कथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। कोरोना टीकाकरण में प्रथम राज्य भाव हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष अधिक बयसर समस्त व्यक्ति टीकाकरण प्रथम डोज लग सारी। भौगोलिक स्थिति को प्राथमिकता देवास दुर्गम अंचल चिह्नट और घर को घर बुली आशाकर्मी टीकाकरण को व्यापक कर अभियान सफल होता बेले राज्यर जनसाधारण सहयोग रही। टीकाकरण में सफलता प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेशवासी मत विनिमय करेंगे। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री अवसर में उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली। आज विधानसभा अधिवेशन पंचम दिन स्वाभाविक रहिपारे गृह कार्य तेबे आज प्रश्न काल में स्वराष्ट्र अर्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निर्माण अबकारी इस्पात खणी और साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग भली 7 विभाग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रही। शून्य काल में बहु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई सरकार को घेरी पारती विरोधी। मिलता सूचना अनुजाई राज्य में चाष और चाषी प्रसंग में आलोचना मोशन आनीपारती सरकार मरुड़ी और चाषी आत्महत्या भली प्रसंग होपे दीर्घ समय आलोचना। सेपरि अपराह्न अधिवेशन में पौर पंचायत निर्वाचन संशोधन बिल गृह पारित होगा बेले ओडिया विश्वविद्यालय अधिनियम बिल समेत 2 बिल गृह पारित हो। अफगान दखल पर भी सरकार गठन करिबारे विफल हेउछि तालिबान। गोटिए पटे संगठन मध्यरे क्षमता पई टणाउटना लागि रहिथिबा बेले पंजसीर घाटी में तालिबान कड़ा मुकाबिलार सामना करुछि। उत्तर अफगानिस्तान स्थिति एही घाटी में तालिबान और नर्दर्न आलियंस मध्यरे घमाघट लड़े जारी रही। तालिबान पक्षरु पंजसीर दखल करा दाबी करा जाउछि तबे नर्दर्न आलियंस एहाकु खंडन करबा सहित 700 तालिबानी को निहत करथिबा नै घोषणा करिछि। अन्यपटे हक्कानी गोष्ठी मुल्ला बरादर गोष्ठी मध्यरे सरकार गठन को नहीं भाग छिड़ुनथिबा देखिबा को मिलिछि। एही विवाद वर्तमान उग्र रूप नेथिबा बेले अफगान रो आगामी राष्ट्रपति कहा जाउथिबा मुल्ला बरादर गुली माड़े आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। कोरोना परे एबे निपा भाइरस रो भय। केरल रे एबे भय सृष्टि करुछि निपा भाइरस। निपा भाइरस संक्रमण जोगु जने 12 वर्षर नाबालकंक मृत्यु होइथिबा नै सूचना दैछंती केरल स्वास्थ्य मंत्री बिना जर्ज। संप्रुक्त बालक कोझिकोड़ी हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउथिले हेले गतकाली राति रे अचानक तांक स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जाइथिला। हॉस्पिटल रे एक टीम बालकंक बचाया पई उद्यम करथिले मध्ये निराश होइछंती। आज भोर 5 रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होइछि। अगस्त मासरे भारत में समस्त G7 देश अपेक्षा अधिका कोविड टीका प्रदान करा जाएगी। सूचना देले केंद्र सरकार को सूचना दे कहिछंती जे गत मासरे भारत में 180 मिलियन रु अधिक टीका दिया जाइथिबा बेले G7 देशगुड़िक मात्र 101 नियुत डोज दिया जाइछि। एहा सहित विश्व मानचित्र रे सर्वबृहत टीकाकरण करिबार रेकर्ड करिछि भारत। आकलन रु जना पड़िछि जे कानाडा G7 मध्यरे सर्वनिम्न संख्यक COVID-19 टीका डोज परिचालन करिछि एवं तालिकारे ब्रिटेन इटाली एवं जर्मनी यथाक्रमे 5 नियुत 8 नियुत एवं 9 नियुत डोज परिचालन करिछन्ति। कंधमाल जिला बीजेपी सभापति जगन्नाथ साहू को नेतृत्व में दारिंगीबाड़ी ठारे एक मिश्रण पर्व और मंडल कार्यकारिणी बैठक अनुषित होती। दारिंगीबाड़ी ब्लॉक सीमनबाड़ी किरीकुटी तिलोरी ब्राह्मणी गांव पंचायत बीजेडी और कांग्रेस कर्मी प्रधानमंत्री जल कल्याणकारी योजन अनुप्राणित हो बीजेपी सामिल होती धनी होता कथा प्रकाश करम। राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार और जिलार विभिन्न पदाधिकारी सामिल होते। राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार कहते
शासक दल दुर्नीति लिप्त थिबा सह नेता मंत्री अरुण साहू प्रताप जेना और विक्रम केसरी आरुकदी आपराधिक मामला रे जड़ित कर बहुत संख्यार कर्मी मैंने उपस्थित रही एवं गोटे मिश्रण पर्व भी है जो थे कांग्रेस बीजेडी छाड़िकी अनेक नेता आम सहित आज जोगदे जोटा प्रमाणित करुच्ची जे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नेतृत्व समस्त को भल लगुच एवं देशव्यापी जो जनकल्याणकारी योजनार सुअ छुटी से सामिल हाबापी चाहते ये आमर आज सांगठनिक बैठक एथेरे कर्मी मानंकु आगामी निर्वाचन पंचायत पौर निर्वाचन पाई कि प्रस्तुतिर आलोचना भी हम आगामी दिन में आम जो जो विषय को लेकिन जनता विषय को लेकिन आंदोलन करूँ से कथा मध्य आलोचना हम भारतीय जनता पार्टी रे अन्य दल विजु जनता दल और कांग्रेस आसी 45 जन सामिल हेले आम से स्वागत करुचु आज भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नीति आदर्श अनुप्राणित हो ओडिशार विकास पुरुष धर्मेन्द्र प्रधान कार्यपद्धति खुशी व्यक्त करी आज समस्ते सामिल होती तेणु आज आम खुशी दिन जे दारिंगबाड़ी मंडल दारिंगबाड़ी ब्लॉक रे समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मान सशक्त हो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रस्तुति आज कार्यकारिणी आरंभ हो अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक दुर्गापुर गाँव में ओडिशा ड्राइवर महासंघर पांच दफा संबलित दाबी नहीं आलोचना करा कोरोना समय रे निरंतर सेवा जोगाउथिबा ड्राइवर को कोरोना योद्धा घोषणा सह सरकारी सहायता प्रदान ड्राइवर सुरक्षा भत्ता सह पांच दफा दाबी जिलापाल प्रदान करा जाय छी अंडा थारु सुवार पर्यंत समस्त को देले कोरोना टाइम रे आमे वैक्सीन नेलु आमे एम्बुलेंस चलेलु किंतु आमुकु ए पर्यंत सहायता देलेनी किंतु कोरोना योद्धार आख्या भी देलेनी किंतु सरकार को आम गणमाध्यम जरिए कहूँ जदि सरकार आम कथा न शुणी आम राजरास्ता अवरोध करूँ एवं ऑल ओडिशा बंद करूँ ए सरकार दायी रे ड्राइवर भाई मान जो दाबी अच्छी आपण मैं दाबी जब न पूरण न करती आगामी दिन में चतक जाम हम राजरास्ता आम अवरोध करूँ यही सरकार दायी रे पिपिली निर्वाचन बिगुल बाजिबा परे एबे गामुहा नेता पुणी थरे पिपिली रे जमिलानी निर्वाचनी माहौल राज्यर तीन प्रमुख राजनैतिक दल सेमानकर कार्यक्रम आरंभ कर देछंती आ अन्यपटे राज्य स्तर रे मध्य पीपीपी मुकुट पिंधिबाकु आरंभ होइकलानी राजनैतिक अंक कसा घन घन रुद्ध द्वार बैठक बसी प्रस्तुत होउछि रणनीति तबे याकु नै बीजेपी रो कहिबा कथा पूर्वरु जेबे निर्वाचन प्रचार चलिथिला सेही समय रे बीजेपी सेठी जीतिकी रहिथिला बीजेडी कहिछि बिजु जनता दल सांगठनिक भावे तार सांगठनिक काम सारिछि तीन मास घुंचिथिले मध्य रुद्र महारथी लोकंक सह संपर्क रे अछंती कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय कहिछंती पीसीसी सभापतिंक निर्देश रे कर्मी माने काम रे लागि पडिलेनी दर वृद्धि को प्रसंग करि कांग्रेस जितिबो तो निर्वाचन कमिशनर जेहेतु प्रचार प्रसार सरी 20 तारीख रु प्रचार कार्यक्रम आरंभ करने विजु जनता दल तार सांगठनिक भाव समस्त प्रस्तुति सारी या भितर जो तीन मास गैप कौन तामें जोजोग अच्छा कार्यकर्ता मान सहित संपर्क अच्छा जी प्रिय प्रार्थी रुद्र महारथी से प्रत्येक दैनिक कार्यक्रम भितर अच्छा लोकों सहित संपर्क अच्छा तेना आम भावुना विशेष किसी समस्या हम बोले आम निश्चिंत भाव में विजु जनता दल सपक्ष में नवीन बाबू सपक्ष में तीन तारिख दिन जो गणति हम से गणति में फलाफल शखचिन्ह सपक्ष निश्चिंत बाहर विश्वास कांग्रेस अत्यंत नगण्य स्थित अच्छी कांग्रेस जदि 4-5 हजार भोट पाईगला भी सी बहुत बड़ कथ तेणुक भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल भितर लड़ई हम एवं जो सिंपाथी भोट आशा करके विजु जनता दल आरंभ कर से सिंपाथी कौन से प्रश्न ना कहीं जदि साधारण लोकर विकास जड़े विधायक 30 वर्ष तेणुक से बाबद लोक बहुत स्पष्ट अच्छा मत भी बहुत स्पष्ट रही भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव में पिपिली उपनिर्वाचन में विजय हम ए कौन से निरुक्ति ना पोस्टर टू आरंभ कर बानर टू आरंभ कर राली सब बंद डोर टू डोर कैंपेनिंग 4-5 जन मुझे जी जेहेतु मुझ दल लोक दल को सम्मान दिए दल जदि खंडे मो जरिया भोट पाए मुझी से कैंडिडेट मो निर्वाचन मंडल ता घर थिला परिवर्तन है कि से ना पिपिली रही बाप जन जमीदार लोक भद्र लोक पुओ ज
ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଲୟର ଲୋକ ତେଣୁ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ କି ଧରି ଆମେ କୋଇଲା ଫୋଇଲା ଡିଜେଲ ଫିଜେଲ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ନେବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେବୁନି ବିଡ଼ି ନେବୁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ଦିନିକିଆ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଜମିକୁ ଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 90% ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 90% ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଲିଫ୍ଟ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସଚଳ ଯଦି କରିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ବହୁତ ଚାଷୀ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ସଚଳ କରିବାରେ ବି ଏ ସରକାର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବିପିସି ଭୋଟର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଜନମତ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ 263 ଆସନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2017 ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ 325 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଜେପି 2017 ତୁଳନାରେ 62 କମ୍ ଆସନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ବି ଏହା ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗୋ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।